भाजपा की दूसरी सूची से विरोध प्रदर्शन आक्रोश धरना चेतावनी और पूरे संगठन में मच गई खलबली। कुछ ऐसे ही हालात भाजपा की दूसरी सूची राजस्थान में जारी होने के बाद आई हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में भाजपा द्वारा दूसरी सूची जो जारी की गई है उसमें 83 नाम हैं और इसके साथ ही तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जिनके टिकट कटे हैं वे उनके समर्थक विरोध में उतर आए हैं, तो कुछ जो बगावत भी कुछ दावेदारों ने कर दी हैं, इसको लेकर खुली चेतावनी दी हैं। कई भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस तरह के हालात पूरे प्रदेश में बन गए हैं और सर्वाधिक विरोध प्रदर्शन अगर हो रहा है तो वो चित्तौड़गढ़ जिले में हो रहा है, जहाँ पर चित्तौड़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का टिकट काटा गया है और उनकी जगह जयपुर से नरपत सिंह राजवी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं, उनका टिकट यहां से दिया गया है। आपको बता दें कि नरपत सिंह राजवी उदयपुर जयपुर के विद्याधर नगर से विधायक हैं और उनकी वहाँ से विद्याधर नगर से उनका टिकट काटा गया है, जहाँ पर राजसमंद सांसद दिया कुमारी को टिकट दिया गया है। ऐसे में उनका टिकट जब जयपुर के विद्याधर नगर से कटा तो उसके बाद उन्होंने विरोध जताया, आक्रोश व्यक्त किया, उसके बाद डैमेज कंट्रोल करते हुए भाजपा द्वारा उन्हें चित्तौड़गढ़ से टिकट दे दिया। और चित्तौड़गढ़ में जो मौजूदा विधायक हैं चंद्रभान सिंह आकिया, उनके समर्थकों ने भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया और आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि खुलेआम विरोध प्रदर्शन के चलते पूरे राजस्थान के भाजपा के तमाम बड़े नेताओं में खलबली मच गई है और लगातार डैमेज कंट्रोल के प्रयास फिलहाल किए जा रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि शायद भाजपा के नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। ऐसे में कई दावेदार निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं, तो कई में अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कल तक इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन दावेदार विरोध में उतरकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है और कौन क्या, लेकिन फिलहाल हमने कुछ भाजपा की जो टिकट वितरण की स्थिति को एनालिसिस किया है, तो उसमें आपको बता दें कि जो भाजपा की पहली सूची जो जारी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की चली, जिसमें कहीं ना कहीं ये देखा गया था कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दरकिनार किया गया है, उनके समर्थकों को बायकॉट किया गया है, लेकिन ये जब दूसरी सूची जारी हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये स्पष्ट तौर पर लग रहा है कि मौजूदा सूची में कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को फिर से तवज्जो मिली है, उनके समर्थकों को तवज्जो मिली है और उसमें बताया जा रहा है कि करीब 50 से ज़्यादा टिकट वसुंधरा राजे के समर्थकों को मिले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी में ये देखा जा रहा है कि ये डैमेज कंट्रोल का प्रयास था, जिसमें वसुंधरा ने जो तेवर दिखाए थे, हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर वसुंधरा ने कोई आक्रोश बयान नहीं दिया था, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से जो वसुंधरा ने अपना तेवर दिखाए उस तेवर को देखकर भाजपा हाईकमान द्वारा कहीं ना कहीं उनको डैमेज कंट्रोल करते हुए उनके समर्थकों को भी टिकट इसमें दिया है। आपको बता दें कि भाजपा ने जो सूची जारी की कांग्रेस से बाजी मारकर ये संदेश देने का प्रयास किया है कि उन्हें भाजपा में भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और वे सब मिलजुल कर एक होकर चुनाव मैदान में उतरे हैं और कहीं ना कहीं इस बार फिर से जो राजस्थान की परंपरा रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इसमें फिर से भाजपा अपनी बाजी मारने में अड़िग हैं कि इस बार वापस कांग्रेस से सत्ता छीने। हालांकि गहलोत सरकार व तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी इसमें जुटे हुए हैं कि ये जो परंपरा है ये मिथक टूटे और इस बार फिर से कांग्रेस की सत्ता बनी रहे। इसमें आपको बता दें कि मुख्य रूप से जो भाजपा की जो टिकट सूची है उसको लेकर हम आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का ये कहना है कि मेरा भी टिकट कटेगा तो मैं विरोध नहीं करूंगा, ये उन्होंने कहा है था। सवाल उठने लगे थे कि क्या बड़े नेताओं के टिकट कटेंगे, वसुंधरा राजे, राठौड़, पूनिया, नरपत सिंह राजवी जैसे नेताओं के टिकट क्लियर करके हाईकमान ने कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया है कि कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि बड़े नेताओं के टिकट काटे जा रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा हाईकमान द्वारा
राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा यह संदेश दिया गया है कि राजस्थान में स्थानीय स्तर के जो प्रदेश के बड़े नेताओं की राय शुमारी के बाद ही टिकट की सूची जारी की जा रही है। इसमें कोई कहीं पर भी भाजपा में खींचतान के हालात नहीं है, यह संदेश विपक्ष को देने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो पहली सूची जारी की थी पिछली बार 41 सीटों पर टिकट की सूची थी, जिनमें 11 कमज़ोर सीटें थीं। इनमें 3 कमज़ोर सीटों पर 2 सांसदों और 1 पूर्व सांसद को उतारा गया था मैदान में, क्योंकि इनमें से कुछ सीटें भाजपा जीत लेती हैं तो फायदा ही होगा। आज 83 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी कमज़ोर सीट नहीं है। इसके अलावा पहली सूची आने के बाद भाजपा आलाकमान ने अपने स्तर पर सर्वे करवा लिया था। इसके आधार पर आलाकमान ने सूची तैयार की थी। इसके बाद प्रदेश संगठन और संघ के ने भी राजस्थान के सभी सीटों पर एक एक पैनल तैयार किया और तीनों सूचियों में जिस दावेदार का पलड़ा भारी दिखा उसे मौका दिया गया है। सर्वे के साथ संगठन संघ दोनों के ही फीडबैक को महत्व दिया गया। इस सर्वे और जमीनी जो फीडबैक मिला उसी आधार पर पार्टी हाईकमांड द्वारा इस बार ये टिकट की सूची जारी की गई है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा की पहली सूची और दूसरी सूची को देखकर यह लगता है या ये कहा जा सकता है कि वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2018 तक के विधानसभा चुनाव में जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चली है वैसी तो इस बार नहीं चली, लेकिन इस सूची में उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव भाजपा की दूसरी सूची में उनका दिख रहा है। इस सूची में समर्थकों की संख्या ठीक ठाक है। झालावाड़ 12 जिले में सीटों पर तो राजे का पूरा दबदबा नज़र आ रहा है। राजे का खुलकर समर्थन करने वालों में कालीचरण सराफ, प्रताप सिंह सिंघवी, श्रीचंद कल्पनानी जैसे नेताओं को मौका दिया गया है। इस दूसरी सूची में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा के करीब 50 समर्थकों को, उनके चाहने वालों को टिकट मिले हैं। इसी तरह भाजपा के एक महीने पूर्व जो सर्वे में करीब 116 सीटों पर पार्टी को कंफर्टेबल पोजीशन में बताया गया था, इस कारण मौजूदा 70 विधायकों को रिपीट करने में पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आई। इनमें 90% सीटों पर भाजपा अपने पक्ष में माहौल मान रही हैं। 5-7 सीटों को छोड़ दें, अन्य सीटों पर विधायक से स्थानीय लोगों की खास शिकायत भी नहीं है। पहली सूची में 11 कमज़ोर सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किए थे। इनमें दातारामगढ़, कोटबोतली, झुंझुनू, सांचौर, फतेहगढ़, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, लालसोट, सपोटरा, बागीदोरा, बस्सी विधानसभा है, जहां पर ये माना जा रहा था कि ये कमज़ोर सीटें हैं, वहां पर उन्होंने मजबूती से किस तरह से जीते, उस सीटों को निकाल सके, वैसा चिंतन मनन मंथन करके सीटें जारी की हैं। ताज़ा सूची में जो बची शेष कमज़ोर सीटों में सरदारपुरा, बाड़मेर शहर, खेतड़ी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, सिकराय, टोडाराम, भीम बाड़ी, वल्लभ नगर पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इसके अलावा भीम विधानसभा में भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। भाजपा की पहली सूची और दूसरी सूची देखें तो करीब 11% महिलाओं को मौका दिया गया है। 41 प्रत्याशियों की पहली सूची में 4 महिलाएं थीं और 83 प्रत्याशियों की दूसरी सूची में 10 महिलाओं के नाम हैं। ऐसे में कुल मिलाकर 124 में से 14 महिला प्रत्याशी भाजपा द्वारा मैदान में उतारे गए हैं। जयपुर के भाजपा के मेयर वाले ग्रेटर नगर निगम में सफाई के लिए ठेका देने वाली कंपनी से कमीशन लेने के आरोप लगाए थे। इनमें आरएसएस के पदाधिकारी निम्बाराम का भी नाम सामने आया था। तब कांग्रेस ने आक्रामक रूप से अपनाकर विधानसभा से लेकर आम सभाओं में भी भाजपा और आरएसएस को काफ़ी कोसा था। कुछ लोगों का मानना था कि इस षड्यंत्र में भाजपा नेता और मेयर के पति का नाम खुलकर सामने आ गया था। आरोप था कि सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। इस पूरे प्रकरण से आरएसएस लाहौटी से भी नाराज चल रहा था। इसका असर लिस्ट में भी देखने को मिला है, जिसमें आरएसएस से जुड़े भजनलाल शर्मा को लाहौटी का टिकट काटकर मौका दिया गया है। और ऐसे में काफ़ी जो फेरबदल हुआ है, इस फेरबदल में भाजपा में
अंतर कलह भी उत्पन्न हो रहा है कि कहीं जिनका टिकट कट रहा है वो भी आक्रोशित हैं, इसको लेकर नाराज़ हैं। अब हालांकि उन्होंने नाराज दावेदारों को, नाराज भाजपा के नेताओं को मनाने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। अंदरूनी तौर पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, वरिष्ठ नेताओं द्वारा समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जो दूसरी सूची आई है और पहली सूची जिसमें जारी हुई थी, करीब बताया जा रहा था कि एक दर्जन से ज़्यादा ऐसे सीटें हैं जहां पर बगावत के हालात हो रहे हैं, जहां पर अन्य जो दावेदार वो विरोध कर रहे हैं कि उनका टिकट क्यों काटा गया है। और दूसरी जो सूची जारी हुई है इसमें भी उससे भी कहीं ज़्यादा दावेदार सामने आ रहे हैं, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है कि उनका टिकट काटा गया है, इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। ऐसी चेतावनी उन जिनका टिकट कटा है वे दावेदार भाजपा के नेतृत्व को देना चाह रहे हैं। पहली सूची में विद्याधर नगर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी का टिकट कटा था। इसके बाद उनकी जगह पर राजसमंद सांसद दिया कुमारी को टिकट दिया गया था। जैसे ही नरपत सिंह राजवी का टिकट कटा, उन्होंने संगठन पर सवाल उठाए। उसके बाद डैमेज कंट्रोल करते हुए भाजपा द्वारा उन्हें चित्तौड़गढ़ जिले से टिकट दिया गया। लेकिन चित्तौड़गढ़ में जो मौजूदा विधायक थे या हैं, चंद्रभान सिंह आकिया, उनका टिकट काटकर नरपत सिंह राजवी को दिया है, जिससे चित्तौड़गढ़ में काफ़ी हालात बेकाबू हो गए हैं, जहां पर समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। और ख़ास तौर से भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के रहने वाले हैं, चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं, उनका पुतला जलाकर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। और इस घमासान के बीच में कहीं न कहीं पूरे राजस्थान के बड़े भाजपा नेताओं में खलबली मच गई है कि आखिर ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। हालांकि चित्तौड़गढ़ के अलावा अन्य जिलों पर भी अंतर्कलह की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर जिस तरह से चित्तौड़गढ़ में कार्यकर्ता पदाधिकारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसे हालात फिलहाल अन्य सीटों पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। फिलहाल पार्टी द्वारा मैं आपको लगातार बार बार बता रहा हूं कि समझाइश के दौर जारी हैं, प्रयास किया जा रहा है। भाजपा की जारी दोनों ही सूची में मुस्लिम चेहरा एक भी नहीं दिखा, जो एक बड़ी बात है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में 200 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें केवल एक टिकट वसुंधरा राजे के समर्थक यूनुस खान को दिया गया था। यूनुस खान डिडवाना से दावेदारी जता रहे हैं। दोनों सूचियों में टोंक और डिडवाना सीटें शामिल नहीं की गई हैं। ये माना जा रहा है कि संभवतः खान को टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये तो भाजपा की अगली सूची में ही स्थिति स्पष्ट हो गई कि क्या वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं, उनके जो करीबी हैं, यूनुस खान को टिकट दिया जाता है या नहीं। राजस्थान में भाजपा कट्टर हिंदुत्व की रणनीति से चुनाव लड़ रही हैं। दोनों सूचियों में देखें तो अल्पसंख्यक बहुल मानी जाने वाली सीटों से दो महंतों को मैदान में उतारा गया है। पहली सूची में तिजारा से बाबा बालकनाथ का नाम था। दूसरी सूची में जैसलमेर की पोकरण सीट से महंत प्रतापपुरी को प्रत्याशी बनाया गया है। अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी को रिपीट किया गया है। उनकी छवि भी हिंदुत्ववादी नेता की रही है। इस विधानसभा सीट पर दरगाह क्षेत्र भी शामिल है। क्षेत्र में मुस्लिम वोटर बहुत हैं, लेकिन फिर भी ये इस भाजपा की दूसरी सूची में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें हिंदुत्ववादी विचारधारा को बल दिया गया है और उसी आधार पर चुनावी मैदान में भाजपा उतर रही है। 2018 का चुनाव बहुत कम वोटों से जीते थे। राजेंद्र राठौड़ कमज़ोर स्थिति बताई जा रही थी और इस वजह से उनका बताया जा रहा है कथित तौर पर कि उनका टिकट चुरू से बदलकर तारानगर किया गया है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार दोहरा रहे थे कि राठौड़ चुरू से हारेंगे और अपनी सीट बदलेंगे। ये बात लिस्ट में सच साबित हो गई, लेकिन इसमें भी एक खास बात है। तारानगर से राठौड़ को मौका दिया, जहाँ से वे पहले वर्ष 2008 में विधायक रह चुके हैं। वहीं चूरू से राठौड़ के ही करीबी पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण को टिकट दिया गया है। वर्ष 2008 में जब राठौड़ अपनी सीट तारानगर गए थे, तब चूरू से हरलाल को ही मौका दिया गया था, लेकिन हरलाल चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार फिर से हरलाल को मौका दिया गया है पार्टी द्वारा और उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है।
आपको बता दें कि अगर जातिगत समीकरण को देखें तो उसमें भी भाजपा कहीं ना कहीं राजपूत कैंडिडेट को साधने का प्रयास भाजपा द्वारा किया गया है। इसमें मुख्य रूप से राजवी दिया कुमारी और विश्वराज सिंह मेवाड़ के माध्यम से राजपूतों को साधने का प्रयास किया है। भाजपा हनुमान बेनीवाल से नाराज थी और नागौर में बेनीवाल का विकल्प तलाश रही थी। भाजपा को विकल्प के तौर पर मारवाड़ की राजनीति के दिग्गज माने जाने वाले मिर्दा परिवार की सदस्य ज्योति मिर्दा नजर आई। मिर्दा को पार्टी में शामिल कर लिया गया और अब नागौर से टिकट भी दे दिया गया है। इसके लिए मौजूदा विधायक का टिकट भी काट दिया गया है। आपको बता दें कि नरपत सिंह राजवी चित्तौड़गढ़ से 20 साल बाद वापस चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भी वो 1993 में चुनाव लड़े थे, तब जीते थे, 1998 में हारे और 2003 में फिर जीते थे। परिसीमन के बाद राजवी ने अपनी सीट बदली और 2008 से वे विद्याधर नगर से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रपान सिंह आकिया और सीपी जोशी में हमेशा मनमुटाव रहा है। चंद्रपान का टिकट कटने का एक कारण यह भी माना जा रहा है और इसी के चलते कहीं ना कहीं उनके समर्थकों ने भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का खुलकर विरोध कर रहे हैं, खुलकर आक्रोश जता रहे हैं। आपको बता दें कि पोखरण से भाजपा ने एक बार फिर महंत प्रतापपुरी को टिकट देकर यह रिपीट किया है और यह जताने का प्रयास किया है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा इस चुनाव में भारी रहेगी। तो ये स्थिति राजस्थान में फिलहाल भाजपा की बनी हुई है। आपको जैसे मैंने लगभग राजस्थान में जो हालात बने हुए हैं फिलहाल, वो हालात हमने आपको बताने का प्रयास किया है और आप खास तौर से लगातार हम अपडेट आपको देने का प्रयास करेंगे। मुख्य रूप से आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस बार उदयपुर संभाग की स्थिति देखें तो यहाँ पर भाजपा द्वारा मेवाड़ में उदयपुर राजघराने के महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह को भाजपा की सदस्यता दिलाई कुछ दिन पहले और उसके बाद उन्हें अब नाथद्वारा से प्रत्याशी बनाया गया है। नाथद्वारा से कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी हैं, उनको टक्कर देने के लिए विश्वराज सिंह मेवाड़ को यहां मैदान में उतारा गया है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है कि इन बड़े चेहरों के माध्यम से भाजपा फिर से सत्ता में लौटने के लिए प्रयासरत हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस इनके इस प्रयास को नेस्तनाबूद करते हुए फिर से कांग्रेस सरकार बनाने के लिए जुटी हुई है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पार्टी के प्रयास, जनता का वोट तय करेगा कि किसकी सरकार बनती है। लेकिन फिलहाल जो राजस्थान में भाजपा के अंदर जो अंतर्कलह के हालात बन रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी तरह राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़ रहे जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।